बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसएस किचन वर्ल्ड। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे और अल्लाह पाक की अमान में होंगे। अल्लाह में आपको खुश रखें, आपके लिए आसानियां पैदा करें, आप सबको सुकून दें और आप सबकी जो दिली मुरादें हैं अल्लाह में उनको पूरा करें। आज मैं आपको अपने किचन में इंतहाई मज़ेदार, इंतहाई लजीज रेसिपी बनाना सिखाऊँगी, मीठा स्पेशल में, जो है तिल वाली बर्फ़ी। और वो बच्चे जिनको यूरिनेशन का प्रॉब्लम है, जो रात के टाइम नहीं कंट्रोल कर पाते या जिनके मसाना कमज़ोर है, आप उनको ये बना के दें। इस तरह से वो खा भी लेंगे और उनका ये मसला भी सॉल्व हो जाएगा। और इसके लिए जो हम इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है 2 किलो दूध, 1 प्याली चीनी, 1 प्याली तिल, हमारे पास है तकरीबन आधा प्याली खुश्क दूध, बादाम और लाल और हरी अशरफियाँ जो हैं वो हम अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग या जितनी हमें ज़रूरत है उतनी हम ले लेंगे। आप इन बच्चों को या वो जो बड़े लोगों को भी मसला है आप उनको भी बना के दें तो ये उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है। सबसे पहले हम अपने तिल की भुनाई कर लेंगे। हमने यहाँ लिया एक फ्राइंग पैन और उसमें हमने अपने तेल डाल दिए और अब हम इनको अच्छे से जो है इनकी भुनाई कर लेंगे, तकरीबन 3 से 4 मिनट। ये इस तरीके से, ना हमने इसमें कुछ भी घी वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया, इनको खाली फ्राइंग पैन में जो है हम अच्छे से इनकी भुनाई कर लेंगे, वरना इनकी जो है कच्चे कच्चे तिलों की स्मेल आती रहती है। एंड अब ये हमारे तिलों की भुनाई हो चुकी है तो अब हम इनको सेपरेट निकाल के तो इनको हम अच्छे से ग्राइंड कर लेंगे जब तक ये पाउडर फॉर्म में नहीं आ जाते। सेकेंडली, जो हमारा 2 किलो दूध है अब हम उसको हाई फ्लेम पे पकाएंगे जब तक ये ड्राई नहीं हो जाता, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं हो जाता, हम इसको तब तक पकाएंगे। ये हमारे पास कच्चा दूध था, पहले हम इसको उबाल दिलवाएंगे उसके बाद हम इसको ड्राई करेंगे। और ये देखिए दूध हमारा आधा से भी बहुत कम रह चुका है, अब हम इसमें खुश्क दूध डाल देंगे। देन हमने जो इसमें तिल का पाउडर था इसमें वो ऐड किया और चीनी यहाँ मैंने आधा कप डाली थी, आप अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। एंड अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसका तब तक इंतज़ार करेंगे जब तक ये बिल्कुल अब खोए जैसी फॉर्म में नहीं आ जाता, ये इस तरीके से। बाद में मैंने इसके ऊपर बादाम डाले बारीक बारीक काट के। ये देखिए जब तक इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से नहीं होती आपने तब तक इसकी भुनाई करनी है। एंड फिर हमने इसको सेपरेट डिश में निकाल लिया। अब हमने इसके ऊपर अशरफियाँ रेड और ग्रीन वाली जो हैं वो डाल दी। आप टॉपिंग्स अपनी पसंद की भी कर सकते हैं लेकिन आपको पता है बर्फ़ी के ऊपर अमूमन यही पसंद की जाती हैं, तो फिर हमने यही वाली डाली। और ये जो बादाम है मैंने बारीक बारीक काटे थे, बाकी के मैंने इसके ऊपर डाल दिए, इनकी टॉपिंग कर दी। थोड़े मैंने बुनाई के दौरान डाल दिए थे और थोड़े अब मैं ये ऊपर से इस तरीके से डाल दूँगी। और ये देखिए माशाल्लाह से इसका कितना खूबसूरत कलर आ चुका है। और ये हमने इसको ठंडा कर लिया था पहले रूम टेम्परेचर पे और बाद में हमने फ्रिज में इसको रख दिया जब तक कि ये बिल्कुल ड्राई नहीं हो गई और ये हार्ड नहीं हो गई। और ये देखिए कितनी फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी, सॉफ्ट सॉफ्ट सी है, ज़्यादा हार्ड भी नहीं हम इसको करेंगे। ये इस तरह फ्लफ़ी फ्लफ़ी सी हो तो आपको पता है बच्चे वैसे ही पसंद करते हैं। पहले हमने इसको रूम टेम्परेचर पर नॉर्मल किया और जब ये नॉर्मल हो गई फिर हमने इसको रेफ्रिजरेटर में किया। और इस तरह से अब हम इसके पीस बना लेंगे। आप किसी और शेप की भी बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं, फ़ौरन आपने इसको फ्रीज़र में नहीं रखना। एंड पीस बनाने के बाद हमने इसको कर लिया था डिश आउट। और ये देखिए ये कितनी खूबसूरत माशाल्लाह लग रही है। मुझे उम्मीद है कि मेरी ये रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी, आप इसको ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे अपनी राय से आगाह करिएगा कि ये किस तरीके से बनी है। और मुझे अपनी राय से ज़रूर आगाह किया करें, डैट मीन्स अ लॉट। मुझे पता चलता है मेरी वीडियोज़ के क्या फ्लॉज हैं, आप क्या पसंद करना चाहते हैं। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा और बेल आइकन के बटन को दबा दें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच जाए और आप चैनल की कोई भी वीडियो मिस मत करें। आप अपनी पसंद से कोई रेसिपी बनवाना चाहते हैं सो डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि आपकी फरमाइश को मैं जल्द अज़ जल्द पूरा करूँ। आप ये ट्राई करें, बच्चों को, बुज़ुर्गों को, जिन जिन को भी मसला है, जिनके मसाने कमज़ोर हैं उनको दें, दिस इज़ बेस्ट फॉर देम। इंशाल्लाह होती है फिर मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।